तो अब यहाँ सुजुकी के पेविलियन में आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले जिमनी मेन जो अट्रैक्शन है, उसके बाद जो हमारी यहाँ पे ब्लैनो क्रॉस आप देख पा रही होंगे मूविंग, उसमें लगी हुई है। इसका नाम आप देख पा रही होंगे फ्रॉन्ग्स करके इसका नाम है, जैसे कि आप देख पा रही होंगे थोड़ी थोड़ी ग्रैंड विटारा इंस्पायर्ड लग रही है फ्रंट एंगल से। भाई कितनी सुंदर गाड़ी है ना, गाड़ी कौन सी गाड़ी, अंधा है गाड़ी दिख रही तुझे। आप लोग जीत सकते हैं आईफोन 14। हेलो भैया, मैं श्याम अरोड़ा। आज की वीडियो में जैसे कि आप सबको पता है ऑटो एक्सपो चल रहा है, तो ये ऑटो एक्सपो में दूसरी वाली जो मोटर शो है उसमें आए हैं, स्पेयर पार्ट वाली दूसरी जगह पे हो रही है। अगर आप लोग कहोगे तो हम उसको भी कवर करेंगे। तो आज के दिन हम ऑटो एक्सपो जो हमारी द मोटर शो है उसमें आए हैं। तो अब इसका कुछ प्रोसेस बता देता हूँ। बुक माई शो से आपको टिकट बुक करनी है। रही बात पार्किंग की, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है पार्किंग स्पेस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एविडेंट पार्किंग स्पेस है, पर यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा आती है अगर जितनी पार्किंग स्पेस है। तो हाईली रिकमेंड करूँगा आपको कि जैसे ही आप आए तो थोड़ा जल्दी आ जाए। अगर 10:30 तक आएंगे आपको कार पार्किंग इजीली मिल जाएगी, उसके बाद थोड़ी डिफिकल्टी मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि बहुत ज़्यादा एविडेंट स्पेस है। अगर आप लोग बुक माई शो से टिकट बुक करा के आए हैं, जैसे कि हम भी करा के आए थे, तो यहाँ पे आपको उसको आके आपको फिजिकल फॉर्म में, जैसे हमारी बुक माई शो की टिकट थी, तो यहाँ पे टिकट काउंटर से आपको जाके इसको अपना फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। तो अब अंदर एंट्री लेते हैं टिकट से और अंदर आपके लिए सारी कार्स कवर करते हैं। अब यहाँ सुजुकी के पेविलियन में आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले जिमनी मेन जो अट्रैक्शन है, उसके बाद जो हमारी यहाँ पे ब्लैनो क्रॉस आप देख पा रही होंगे मूविंग, उसमें लगी हुई है। इसका नाम आप देख पा रही होंगे फ्रॉन्ग्स करके इसका नाम है, जैसे कि आप देख पा रही होंगे थोड़ी थोड़ी ग्रैंड विटारा इंस्पायर्ड लग रही है फ्रंट एंगल से। एंड इंटीरियर की जो कलर थीम है वो भी थोड़ी ग्रैंड विटारा से इंस्पायर्ड है, पर हाँ डिसेंटली कार की लुक्स अच्छी है। अगर आप ब्रेजा लेने का सोच रहे तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसके बेस एंड मॉडल बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होंगे। तो अब इसका वॉकराउंड तो बाद में करेंगे, पहले जिमनी के अंदर चलते हैं, देखते हैं जिमनी के अंदर क्या क्या ऑन ऑफर है। भाई मारुति ने यहाँ पे थोड़ा सा अपना फ्यूचर भी दिखाया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अभी ये इलेक्ट्रिक कार का लॉन्च है। अभी एक बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सुपर्ब लग रहा है। इसकी रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा यूनिक होगी। अभी तो अंडर डेवलपमेंट स्टेज है, इसलिए आप इंटीरियर्स भी देख पा रहे हो, इंटीरियर्स भी पूरी तरह डेवलप नहीं है। इंटीरियर्स में भी सिर्फ ऐसे ब्लैक एक डैशबोर्ड का एक फ्यूचर लेआउट दे दी है। एंड ये देख पा रहे ओरियंस की जगह स्मार्ट से आपको यहाँ पे रियर कैमरा देखने को मिलेगा। कार बहुत ज़्यादा डेफिनेटली स्मार्ट लग रही है। जो हमें XUV 700 टाइप आपको डोर हैंडल्स भी देखने को मिलने वाले हैं, तो उस हिसाब से कार की तो भाई लुक बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। पर अब जिमनी का थोड़ा क्लोजली वॉक अराउंड करेंगे, जिमनी में ऑन क्या क्या हमें ऑफर देखने को मिलता है। जैसे कि देख पा रहे हो कि मॉडिफाइड है, यहाँ पे आपको जिमनी देखने को मिल रही है एंड बहुत सारा एसेसरीज लगी हुई है। स्टॉक आपको जिमनी ऐसे देखने को नहीं मिल रही, स्टॉक का वॉक अराउंड आपको जरूर चैनल पे मिल जाएगा, पर ये सब एसेसरीज का ही आपको पार्ट है जैसे कि आप देख पा रहे होगे। पर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, जैसे कि आप स्टांस इस गाड़ी का देख पा रहे होगे। तो भाई यहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन है, मारुति ने एक कार लॉन्च करी है, वो है हमारी ब्लू कलर की, मैट ब्लू कलर में आप देख पा रहे होगे, ब्रेजा विद CNG। अब किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि एक कॉम्पैक्ट SUV कार भी हमें CNG में देखने को मिलेगी। ड्यू टू पेट्रोल के राइजिंग प्राइसेस वजह से हमें यहाँ पे ये भी CNG में देखने को मिलने वाली है। उसके बाद इसके इंटीरियर में थोड़े से यूनिक टचेस हमें देखने को मिलने वाले हैं, जैसे देख पा रहे होगे। हालांकि स्टॉक वर्जन में ये होगा नहीं होगा, या फिर ये ऐसे एज एन एसेसरी आपको देखने को मिलेगी। मोस्ट एक्सपेक्टेडली आपको एज एन एसेसरी आपको सारी गार्निशिंग, वुडन गार्निशिंग देखने को मिलने वाली है। अब भाई यहाँ पे आ चुके मारुति ने कुछ फ्यूचर मोबिलिटी जो एडास का एक्सपीरियंस है वो VR के अंदर दिखाने वाले हैं। हालांकि VR एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा, पर यहाँ पे जो आपको एक बेसिकली एक्सपीरियंस कराने वाले हैं वो ऐसे ही आपको एक्सपीरियंस होने वाला है कि एक रोड पे आपकी कार चल रही है, जैसे कि आप देख तो भाई यहाँ पे टोयोटा एंड लेक्सस के पेविलियन में आ चुके हैं। जैसे कि आपने मारुति का पेविलियन पूरा देख लिया है, टोयोटा ने यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रिक जो हाइब्रिड ओरिएंटेड फ्यूचर होने वाला है, जैसे कि ये कार भी यहाँ पे फीचर करी है, क्योंकि टोयोटा के पास बहुत ज़्यादा आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा यूनिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो उनको यहाँ पे टोयोटा ने फ्यूचर करा है। हालांकि ये तो इम्पोर्टेड कार है, लेफ्ट हैंड ड्राइव है, पर इंडिया में भी प्रोस्पेक्ट है, तभी टोयोटा ने इसको यहाँ पे फीचर करा है। एंड ये प्योर इलेक्ट्रिक है, हाइब्रिड वाला इसमें कोई सिस्टम हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। उसके बाद यहाँ पे क्रोला भाई, जैसे कि अब नई कार का फ्लेक्स फ्यूल का आ रहा है, तो जब हाइड्रोजन भी एक टेक्नोलॉजी है यहाँ पे देख पा रहे हो, टोयोटा ने हाइड्रोजन अपनी कार जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है उन्हें फीचर करा है। उसी के साथ आपको देखने पा रहे होंगे यहाँ पे फ्यूल सेल वाली कार मिराई, यहाँ पे उसको भी फीचर किया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस कार पे लिखा हुआ है फ्यूल सेल। टोयोटा के बाद लेक्सस के पेविलियन में आ चुके हैं, देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक गाड़ियाँ खड़ी है। अभी LX500D हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप लोगों से कमेंट्स में क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, लैंड क्रूजर एंड इसमें से आपको कौन से ज़्यादा बेटर लगती है? पर्सनली जब नई वाली लैंड क्रूजर आई है मेरे को तो बहुत ज़्यादा बेटर लगती है, पर हाँ लग्जरी वाइज थोड़ी लेक्सस थोड़ी अप लगती है उससे वैन कम्पेयर टू द टोयोटा। उसके बाद आप देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक कार्स खड़ी है यहाँ पे लेक्सस की, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे और भी बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक कार खड़ी है लेक्सस की, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो। ये बेसिकली सारे कंसेप्ट व्हीकल्स हैं, हार्डली में इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं।
पर अभी के लिए इनका जैसे कि आप देख पा रहे हो अलॉय पे फोकस करता हूँ, कितना बढ़िया इसका अलॉय लग रहा है मुझे। एंड उसके बाद यहाँ पे ये वाला भी कंसेप्ट व्हीकल जो है बहुत ज़्यादा यूनिक रोड प्रेजेंस ऑफर कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ से इसका जो ओवरऑल डिजाइनिंग एंड अलॉय एंड ऑल की बहुत ज़्यादा यूनिक ऑफर हो रही है लेक्सस की ये वाली जो डिजाइनिंग ये कार ऑफर कर रही है। तो यही फ्यूचर है भाई कार्स का, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रीमियम एंड अप मार्केट लग रही है वाली कार। अब टाटा मोटर्स के पिवेलियन में सबसे पहली अवानी दिखी है, कॉन्सेप्ट कार है टाटा की। उसके बाद यहाँ पे टियागो ईवी है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेडली जो हम सबको मतलब अभी हार्डली में ही ट्रेंड चल रहा है हैरियर। अब हैरियर को ईवी में भी लॉन्च कर दिया गया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हैरियर ईवी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। और इसके अलॉय से मैं थोड़ा थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, थोड़ा हल्का ज़्यादा इंस्पायर्ड है, पर ओवरऑल गाड़ी का स्टांस बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। एंड अब ईवीज़ का भाई पता नहीं ट्रेंड रिवॉल्व हो गया, हम इन्हें डीजल में एक्सपेक्ट करते थे, अब ये भी ईवी में इलेक्ट्रिक में हमें देखने को मिलने वाली है। अब इस यहाँ पे अब टाटा मोटर का शो स्टॉपर है वो है टाटा सियारा। अब टाटा सियारा को ईवी में लॉन्च कर दी है, थोड़ी थोड़ी डिफेंडर इंस्पायर्ड इस गाड़ी में लुक्स लग रही है। एंड डेफिनेटली ये इंडिया में लॉन्च होने की देर है, उसके बाद डेफिनेटली इट विल अ ह्यूज हिट। तो अब चलते हैं उसके बाद। अब टाटा ने अपनी कर्व दिखाई है जो क्रेटा के सेगमेंट की कह रहे थे, जो सब 4 मीटर से हमें ज़्यादा देखने को मिलने वाली थी, अब उस पर हम थोड़ा फोकस करते हैं। तो टाटा की कर्व ये थोड़ा कूपे इंस्पायर्ड डिज़ाइन है, जो ऐसी कार्स हैं इंडिया में थोड़ी कम है। अच्छा टाटा मोटर्स ऐसी कार को भी लॉन्च कर रहे हैं। इस मोमेंट का शो स्टॉपर है वो है टाटा की जो हमारी ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी है उसके बारे में। अब इसके बारे में बताता हूँ, 30-30 लीटर्स के 2 सिलेंडर है, कैरिंग कैपेसिटी 10 से 12 लीटर की है, स्टपनी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, स्टपनी आपको नीचे देखने को मिलने वाली है। तो अब ये टेक्नोलॉजी आपको टाटा की कमेंट्स में बता रहा हूँ। भाई ऑटो एक्सपो में आके आप लोग जीत सकते हैं iPhone 14। अब मैं आपको बताता हूँ आप कैसे जीत सकते हैं। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद ये फॉरवर्ड वाला गेम है, आपको वहाँ पे 6 फीचर दिख रहे होंगे, आपको 97 की टाइम लिमिट का कलेक्ट करना है। जिसका भी बेस्ट टाइम होगा 6 फीचर कलेक्ट करने का उसको मिलेगा iPhone 14। तो आप भी ऑटो एक्सपो आ रहे हैं, आपको जरूर ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। भाई किया के पेवेलियन में आया, तो यहाँ पे एक यूनिक किया की कार दिख रही है, कंसेप्ट कार है बेसिकली। जैसे कि टाटा की सियारा आने वाली है तो ये एक थोड़ा बहुत उसका कंपटीटर रहना पड़ा, पर जो इसके डायमेंशन है वो टाटा की सियारा से भी ज़्यादा है। एंड उस साइड नई कार्निवल जो लेटेस्ट कार्निवल लॉन्च हुई है उस साइड हमें वो देखने को मिलने वाली है। एंड आप भारतीय जो फॉरन मार्केट है उसमें तो पहले लॉन्च हो गई थी, पर इंडिया मार्केट में थोड़ी लेट हुई है, पर अच्छा मूव है कार्निवल पर। एक बात हो रहा है, थोड़ा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। एंड उसके बाद अब इधर जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, गेम भी है जिस वजह से आप आईफोन 14 जीत सकते हैं। अगर आप ऑटो एक्सपो आ रहे हो तो यहाँ पे जरूर खेलना, जिससे आपको आईफोन 14 मिल जाए किया के थ्रू। किया के पवेलियन में आ गया, लगभग सारी सिमिलर कार्स है, बस मैंने आपको वहाँ पे जो थोड़ी हमर टाइप किया कि इलेक्ट्रिक एसयूवी आ रही है एंड कार्निवल थी, उसके बाद नॉर्मल सारी गाड़ियाँ हैं। और उधर एक पुलिस कार कन्वर्जन भी था, मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं लगा किया का पवेलियन, जो मेरे को एक्सपेक्टेशन से सिर्फ 2 ही अच्छी कार देखने को मिली, जो एक पहले हम देख चुके हैं कार्निवल, जैसे कि इंडिया में पहले अब्रॉड मार्केट में हम पहले ही देख चुके हैं कार्निवल को, तो इतनी एक्सपेक्टेशन थी किया से, वो सारी मतलब ख़त्म हो गई है। अब चलते हैं BYD एंड उसके बाद हुंडई एंड ऑल में चलेंगे, देखते हैं क्या क्या होगा। MG के में भी गए थे, पर MG में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था इसलिए हमने शूट नहीं करा। सेकेंडली वहाँ पे कुछ यूनिक नहीं था, मतलब यूनिक कार्स थी पर वो सारी इंडियन मार्केट में कभी भी उनका सेल होने का प्लान नहीं है, फॉरेन मार्केट के लिए इस डेडिकेटेड वो कार ही बनी है। तो अब चलते हैं, BYD का पवेलियन आ गया, उसके बाद प्रवैक का भी है यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो अब चलेंगे BYD के, उसके बाद प्रवैक का, जो एक हमारी कार आनी थी इंडियन ब्रांड है, इसका भी जरूर हम विजिट करेंगे। यहाँ पे आ गए प्रवैक के, जैसे कि मैंने आपको कहा था प्रवैक के पवेलियन में आया, तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी एक मिलिट्री कार को डिस्क्राइब करा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एक मिलिट्री व्हीकल इंडियन आर्मी फोर्स के लिए, जैसे इंडियन ब्रांड है तो ये थोड़ा इनका टच मुझे ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगा है कि ऐसे मिलिट्री के लिए भी ये जो हमारे व्हीकल्स हैं इनको भी डेवलप कर रहे हैं। तो भाई BYD के अब पवेलियन में आ चुके हैं, तो यहाँ पे 2 ही कार्स, मतलब अभी तक तो Atto 3 थी, 3-4 Atto 3 थी, अब यहाँ पे BYD सील करके है। अब ये तो एक सेडान सेगमेंट की कार है, अब मेरे को पर्सनली पता क्या लग रहा है, थोड़ी थोड़ी टेस्ला इंस्पायर्ड वाली कार लग रही है। हालांकि जब स्पेक्स की बात करते हैं इलेक्ट्रिक कार में BYD बहुत अच्छा रेनाउंड नेम है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब रेनाउंड नेम है, क्योंकि बहुत ट्रेडिशनल टाइम से इलेक्ट्रिक मोटर्स की सप्लाई एंड बैटरी सप्लाई कर रहे हैं। देखते हैं और कोई यूनिक व्हीकल BYD का हमें देखने को मिलता है या फिर नहीं। जिस ब्रांड का मोस्ट अवेटेड था पवेलियन हम लोगों उसमें आ चुके हैं, सबसे ज़्यादा भीड़ भी मारुति के बाद तो हुंडई में ही हमें देखने को मिलती है। तो भाई जो आज इस ऑटो एक्सपो का शो स्टॉपर है टुवर्ड्स हुंडई वो है Ioniq 5। हालांकि वो भी हमें देखने को मिली थी इलेक्ट्रिक कार, पर इसका जहाँ पे ज़्यादा हाइप देखने को मिल रहा है क्योंकि बेसिकली ये न्यूली लॉन्च कार है, तो आज बिल्कुल लेटेस्ट आज ये कार बिल्कुल लेटेस्ट आज लॉन्च हुई है। इसकी प्राइसिंग की बात करेंगे आपको अप्रॉक्सीमेटली 30-40 लाख देखने को मिलने वाली है। एंड रेंज बहुत ज़्यादा अच्छी क्लेम्ड मिलने वाली है, 500 किलोमीटर की आपको रेंज मिलने वाली है। एंड इसका डिज़ाइन लैंग्वेज एंड ओवरऑल इस गाड़ी की अगर बात करेंगे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड प्रीमियम सेगमेंटेशन हुंडई ने कराया है। भाई हुंडई Ioniq 5 तो लॉन्च हो गया हार्डली में इंडिया में,
पर अब Hyundai Ioniq 6 की बारी है, आप देख पा रहे हो कितनी बढ़िया रोड प्रेजेंस है कार की, जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा यूनिक एंड सेडान बॉडी लाइन इसमें हमें देखने को मिलता है। तो आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है एंड मर्सिडीज ए क्लास से थोड़ी थोड़ी इंस्पायर्ड डिजाइन लैंग्वेज लग रही है। आपकी क्या राय है Hyundai Ioniq 6 के बारे में कमेंट में बताना। और हम चलते हैं अब किसी लग्जरी ब्रांड के पवेलियन को कवर करने। अब हमने Hyundai के पवेलियन में देख लिया, Hyundai का पवेलियन थोड़ा अच्छा लगा है, सेटिस्फाइंग लगा है, क्योंकि जो इंडिया में कार लॉन्च होनी है वही यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। एज सच जैसे MG के में थे तो बहुत ज़्यादा जो इंडिया में कार आने का प्लान भी नहीं है वो भी डिस्क्राइब की गई थी। एंड यहाँ पे कोई भी एग्जिस्टिंग कार जैसे क्रेटा होगी, वेन्यू, ऐसी कोई भी छोटी मोटी कार खड़ी नहीं करी है, सब नई आने वाली कार्स खड़ी करी, जैसे की आने तो भाई अपनी सेल्टॉस, सोनेट, ऑरेट सब खड़ी कर रखी थी क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए इतना नहीं था। एंड हाँ, महिंद्रा नहीं है इस पवेलियन में, क्योंकि भाई महिंद्रा ने जो भी अपने सारे प्रोडक्ट्स है वो पहले ही लॉन्च कर दिए।